टॉप 5 एम आई वाई 12 सपोर्टेबल थीम की डिटेल लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि इन थीम्स को यूज करने के बाद आप अपने स्मार्टफोन के अंदर क्या कुछ चेंज कर सकते हो। अगर आप एम आई वाई 12 के यूजर्स हो और आप चाहते हो कि आपको कोई एक परफेक्ट थीम मिल जाए जो कि आप अपने फ़ोन के अंदर यूज कर पाओ और बेहतरीन कस्टमाइजेशन आप इनेबल कर पाओ, तो वीडियो को फुल एंड तक जरूर वॉच करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम्स की कलेक्शन देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड के पहले थीम की बात करें तो वो है हमारा कलर इजी V12, जिसे आप इजीली जो इंपोर्ट करके अप्लाई कर पाओगे। जहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग आइकन पैक देखने को मिलता है, टाइमिंग बिल्कुल ही चेंज हो गया है, साथ साथ नीचे का जो नेप बार है ये भी जो मॉडिफाइड हो गया है, जो कि इसे ब्यूटीफुल सा जो लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम स्लाइडर फिलहाल चेंज नहीं है, लेकिन बाकी मैक्सिमम चीज़ आपको चेंज देखने को मिलती है। वहीं पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसका कंट्रोल सेंटर, जो कि कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है, और इसके साथ आपको बैकग्राउंड में वॉलपेपर ये देखने को मिलता है, जो कि इसके लुक को काफ़ी कमाल का और इंटरेस्टिंग बनाता है। वहीं पर इसका जो बैटरी का बार है वो भी बिल्कुल ही कलरफुल है, जो देखने को आपको मिल जाता है। वहीं पर अगर हम सेटिंग को इन करते हैं तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो सेटिंग्स वगैरह है ये सारे आइकन है जो चेंज हो गए हैं, जो कि फुल्ली है जो ये थीम सपोर्ट करता है इस एम आई वाई 12 के रोम को। तो यहाँ पर है जो आपको काफ़ी बेहतरीन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, और इधर स्लाइड करने पर आपको कुछ शॉर्टकट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि इस एम आई वाई 12 के रोम को जैसे आपको दिखाई देता है। हमारा जो नेक्स्ट थीम है उसका नाम आपको एडिशन ड्रीम V12 देखने को मिलता है, जिसे भी आपको जो इंपोर्ट करके अप्लाई करना होगा। जहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल से आपको आइकन पैक देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे एनिमेशन यूज किए गए हैं। वहीं पे यहाँ पे टाइमिंग काफ़ी ब्यूटीफुल लुक में नजर आता है, और हमारा जो बैटरी बार है इस बार भी आपको कलरफुल देखने को मिल जाता है, और वेदर पर आप देख सकते हो सन कितना ब्यूटीफुल से है जो लुक में दिखाई दे रहा है। वहीं पर आपका जो कंट्रोल सेंटर यहाँ पर हल्का फुल्का चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि आप जो देख सकते हो कि ओरिजिनल से थोड़ा सा डिफरेंट आपको यहाँ पर नजर आता है। वहीं पर अगर हम यहाँ पे सेंटर की बात करें, जहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर है, तो इसमें कुछ खास चेंज नज़र नहीं आता है। वहीं पे अगर हम सेटिंग और इन करते हैं तो सेटिंग के अंदर बैकग्राउंड आपको जो हल्का सा वॉल पेपर देखने को मिलता है कलरफुल, जो कि देखने में ठीक लगता है बट उतना कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है, बट ये फुल्ली सपोर्ट करता है। लेकिन वहीं पर अगर हम लॉक स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं तो आपको सेम वॉल पेपर देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, ऊपर की ओर पिक्चर है, नीचे की ओर डार्क, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर को स्लाइड करने पर आपको कई सारे एक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टेप काउंटर, कैलकुलेटर, रिकॉर्डिंग, वी चैट और बाकी चीज़ें, और यहाँ पे आप फ्लैश लाइट वगैरह भी है जो ऑन ऑफ कर सकते हो। तो काफी अच्छा कस्टमाइजेशन आपको अपने लॉक स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है। अगर आपने अभी तक टेक ऑफिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर ले, ताकि आपको एवरी डे जो इसी तरह के थीम्स की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल सके, और एम आई वाई 12 से रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट्स आपको जो पता चलता रहे। वहीं पे आप अगर ये सारे थीम्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो सारे डाउनलोड लिंक मैंने इस चैनल के ऊपर जो शेयर कर दिया है, जहाँ से आप सबको डाउनलोड कर पाओगे। अब ये डिस्क्रिप्शन वगैरह डिसेबल रखा गया है, क्योंकि कुछ इशू चल रहा है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो, ताकि आपको डाउनलोड लिंक मिल सके और आप इनका यूज कर सको। हमारे अगले थीम की बात करें तो आपका मिनिमल फोर एम आई वाई 12 है, जिसे आप अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके का चेंज देख पाओगे, जो कि आप देख सकते हो आइकन पर काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम सेटिंग की ओर आते हैं तो सेटिंग के अंदर भी आपको जो काफ़ी अच्छे खासे जो चेंजिंग और मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर सारे है जो सेटिंग के आइकन चेंज हो गए हैं। और वहीं पर अगर हम अबाउट के सेशन पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके जो एस्पेक्ट्स वगैरह है इनके ऊपर भी आइकन अप्लाई होता है, और नीचे की ओर आपका नेम बार भी बिल्कुल ही चेंज हो गया है, मॉडिफाइड हो गया है, जो कि भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। वहीं पे इसका जो आपको देखने को मिलता है बार, इसके अंदर भी हल्की फुल्की चेंजिंग दिखाई देती है, और यहाँ पे आपका जो कंट्रोल सेंटर है इसके भी आइकन पैक में जो थोड़ी बहुत चेंजिंग दिखाई देते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल सा लगता है। वहीं पे आप अगर यहाँ पे बैटरी बार पर फोकस करते हो तो बैटरी का UI चेंज हो गया है, और आपको जो नो नेटवर्क का और हॉटस्पॉट जो वाईफाई भी कनेक्टेड है उसका भी UI में आपको चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी भाई अच्छा सा लगता है। वहीं पर हम यहाँ पे इसके डायलर की बात करें तो डायलर भी आपको जो बिल्कुल ही चेंज सा अलग सा है जो देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम लॉक स्क्रीन पे आते हैं तो लॉक स्क्रीन पे आपको देखने को मिलता है सेम वॉलपेपर जो कि यूज किया गया है, और इधर की ओर कोई खास कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। हमारा अगला थीम है सोलर V12, जिसे अप्लाई करने के बाद आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्यूट टाइप के जो आइकन पैक देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो वॉलपेपर दिया गया है और सामने की ओर आपको सन नजर आता है, और यहाँ पे जो टाइमिंग है काफ़ी कूल सा लग रहा है, और यहाँ पे आप हमारा सन भी जो काफ़ी कूलिंग टाइप का दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको जो बैटरी है और साथ साथ नेटवर्क और यहाँ पे सिम का कटआउट, इसका UI में जो आपको चेंज नजर आता है, साथ साथ आपका जो कंट्रोल सेंटर है बिल्कुल चेंज हो गया है, जहाँ पे सन के इफेक्ट दिखाई देते हैं, और कुछ इस तरह का आपको UI में चेंजमेंट देखने को मिलता है।
है, जो कि रियली में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। नोटिफिकेशन पैनल में भी हल्का फुल्का आपको चेंज नज़र आ जाता है। और यहाँ पर अगर हम इसके डायलर की बात करें तो हमारा जो डायलर है ये भी जो चेंज हो गया है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको शो करता हुआ नज़र आता है। वहीं पर अगर हम इसके सेटिंग की ओर इन करते हैं तो सेटिंग के अंदर बैकग्राउंड में आपको कलरफुल है जो थोड़ा सा डीप टाइप का वॉलपेपर देखने को मिलता है, और हर एक सेटिंग के आइकन है जो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है। वहीं पर इसका जो नेव बार है ये भी जो चेंज हो चुका है, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंस लुक प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर भी आपको जो बैकग्राउंड में वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम इसे लॉक करके आते हैं लॉक स्क्रीन के ऊपर, तो सेम वॉलपेपर यहाँ पर भी यूज किया गया है, इधर की स्लाइड करते हैं तो सेम वही चीज़ें देखने को आपको मिल जाता है। हमारे आज के इस एपिसोड का ये लास्ट थीम है स्टेरियस का V12, जिसे भी आपको इंपोर्ट करके अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके आपको जो नेबार देखने को मिलता है पहला चेंज, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। वही पर अगर हम होम स्क्रीन पे टैप करते हैं तो बैकग्राउंड में आपको जो यहाँ पे स्काई का वॉलपेपर देखने को मिलता है, और सारे आइकन पैक बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट देखने को मिलते हैं, जो कि बिल्कुल ही ब्यूटीफुल सा है, जो लुक प्रोवाइड करता है इस फोन के वॉलपेपर के साथ मैच हो के। वहीं पर अगर हम डायलर की बात करें तो डायलर भी आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, और कॉन्टैक्ट वगैरह भी, जो कि भाई रियली में मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा, इन टॉप 5 में से सबसे बेस्ट लगा। वहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल सेंटर भी चेंज हो गया है, जहाँ पे आपको बैकग्राउंड वॉल पे देखने को मिलता है, और काफ़ी अच्छा मोटिफिकेशन यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर में भी देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर स्लाइडर की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास चेंज नहीं है, लेकिन कंट्रोल सेंटर फुल्ली कस्टमाइज है। सेटिंग के अंदर भी आपको बैकग्राउंड वॉलपेपर देखने को मिलता है, और सारे यहाँ पे आइकन चेंज हो गए पिक्सल के रोम टाइप का, तो पिक्सल जैसा आपको यहाँ पे चेंजमेंट देखने को मिल जाता है। वहीं पे यहाँ पे आते हैं अबाउट के सेशन पे, तो यहाँ पे सारे आइकन है जो कलरफुल हो गए हैं, जो कि आप देख सकते हो, जो कि लुकिंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा बनाता है। वहीं पे हम आते हैं लॉक स्क्रीन पे, तो आपको लाइव वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल ही अमेजिंग सा लगता है। यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा, और अगर आपका डिवाइस जो ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट को सपोर्ट करता है तो यहाँ पे रखने पे कुछ इस टाइप का आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जो ब्यूटीफुल सा है, जो फील प्रोवाइड करता है। तो ये रहे आज के टॉप ऐसे थीम्स जो कि आपके MIUI 12 को सपोर्ट करते हैं और परफेक्ट रूप से काम करते हैं। मे भी कुछ कुछ यूजर्स को देखने को मिलेगा ऑटो रीस्टोर का, जो कि रोम के साइड और थीम के साइड से इशू मिलता है, बट अगर आप EU का रोम यूज कर रहे हो तो आपको कोई भी वापस से रीस्टोर करने का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। आप इसे जो परफेक्टली यूज कर पाओगे और कोई भी इशूज नहीं आता है। फिर भी अगर कोई इशूज वगैरह आता है तो आप जो मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर जो भी जानकारी लेनी है आप टेलीग्राम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, मैं आपको वहाँ पे फुल डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थीम के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।